लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राजू बेटे, उन लोगों से तूने मुझे बचा तो लिया, मगर बेटे ये इतने खतरनाक लोग हैं कि मासूम और बेगुनाहों को उठा के कहां ले जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं चला। राजू बेटे, तुझे अगर कुछ हो गया ना तो हम तो जितने जी मर जाएंगे। आप? नमस्ते। बेटे, राजू ने कल जो हरकत की है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। बहुत डांटा इसे हमने, भला इसे भी कोई किसी को उठा ले जाता है? नहीं नहीं माँ जी, ये मुझे उठाकर नहीं ले गए थे, मैं अपनी मर्जी से गई थी और यहाँ भी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आज मेरा जन्मदिन है माँ जी। अरे अरे, क्या कर रही हो बेटी? आप लोगों के दिलों को तो छू कर देख लिया, अब पैरों को भी छू लेने दीजिए। जीती रहो बेटी, आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं हमारे पास देने के लिए। वही तो लेने आई हूँ आप लोगों से माँ जी। रोज आती रहो, रोज मिलता रहेगा। मैं आप सबको अपने जन्मदिन पर इनवाइट करने आई हूँ, आज शाम को आप लोग जरूर आइएगा। बेटे, हम दोनों का वहाँ क्या काम? हाँ राजू, अगर वो चाहे तो। भाई अपना भी कोई पक्का नहीं है, मूड बना तो आ जाएंगे। नहीं राजू, तुम जरूर आओगे। ये लो तुम्हारा कार्ड, तुम्हें खास बुलाने आई हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब ये कार्ड देगा, तेरी मेम साहब की बर्थडे पार्टी का कार्ड है। अब तू ही बोल, ऐसे कपड़े पहनकर कोई पार्टी में जाता है? हाँ? वो नहीं ना। फिर रुक रुक रुक, क्या बात है रे? ओहो, धोबी घाट, धोबी घाट, समझ गया समझ गया। जा भी जाए, फर्स्ट क्लास कपड़ा लेके जल्दी जा। और कुर्ता मुबारक में धोने ले तो दिया जने की मांग आई। तो पूरी पोटली उठा के ले, चल जल्दी आजा, ऊपर आजा, ऊपर आजा, चल इसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चल चल पाता, चल 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 चल। जनरल डायर ऑन फैमिली पार्टी में आया। ऐसा लगता है कि वो टाउन से बाहर है। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी डूबी बेटे, तुमने साइमन और डायर साहब को पार्टी में ने बुलाकर अच्छा नहीं किया। डैडी, बर्थडे मेरा है, पार्टी मेरी है, तो फिर गेस्ट भी मेरे चुने हुए होंगे ना। वैसे कौन से खास मेहमानों को चुन रखा है तुमने? रूबी, रूबी, हट जाओ। हरी साहब, हरी साहब, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। चुप बड़ी टांगे वाला, बीच में टांग मत उड़ाओ। मंड योर ओन बिजनेस। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, इसे ऊपर ले जाओ। मेक वे प्लीज, मेक वे। सर शुक्र है बेबी को ज्यादा चोट नहीं लगी। उल्लू के पट्टे, तुम्हारे गलत निशाने की वजह से आज मेरी बेटी की जान चली जाती। सर निशाना तो मैंने ठीक उस तांगे वाले पर लगाया था, लेकिन वेटर का धक्का लगने से गोली झूमर पे जा लगी। इडियट। राजू, राजू। वो कमबख्त टांगे वाला रूबी की जान बचाकर उसकी नजरों में हीरो बन गया है। और हमारा सबसे बड़ा विलन हमारी बेइज्जती करने के बावजूद भी हम उसे लेडी हेलेना की वजह से गिरफ्तार भी तो नहीं कर सकते। सुना रूबी जख्मी हो गई है, कैसी है अब वो? शुक्र है वो बच गई है। उसके बचने का शुक्र कर सकते हो, बचाने वाले का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? जिस लड़के ने उसकी जान बचाई वो तुम्हारी नफरत का नहीं इनाम का हकदार है। कहाँ है रूबी? अपने कमरे में है। लेडी हेलेना ठीक कहती है, उसे इनाम दो और उसका ईमान खरीद लो।
फिर वो बस्ती वालों का लीडर लीडर नहीं गद्दार कहलाएगा। और यही हमारी पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल। हाँ करेक्ट। भोगा जी, तुम कल जाकर उस तांगे वाले को इज्जत के साथ यहाँ ले आओ। जी बहुत अच्छा। ये ले लाला। अरे ठीक किया भैया, ये लक्की साहब के कपड़े थे। अबे काय का लक्की यार, जिसके लिए पैंट कर गया था उसके लिए तो बहुत अनलकी निकला। अबे घायल हो गए यार, मालूम घायल हो गए मालूम। अबे मोती ए, क्या बोलता है? हाँ रूबी ठीक है, बहुत बढ़िया खबर लाया, बहुत बढ़िया खबर लाया। ए भाई लोग, अरे रूबी ठीक है लाला, रूबी ठीक है। ले मार मार। नहीं नहीं नहीं, हम भांग पीते हैं, हमारे लड़के की शादी में तुम आओ भांग पिला के चका चक कर दे। अरे लाला उतनी देर काय को हमको वेट करने का, हम तो आज ही चका चक हो जाएगा। हाँ, ये घोड़ी देखी नहीं कि खड़ा हो गया। अबे तेरे को कितनी बार समझाया कि ये विलायती घोड़ी है प्यारे, तेरे हाथ नहीं आने वाली। क्या कहा, इनसे बात करो? ठीक है बात कर लेता हूँ भाई, ठहर जा ठहर जा। मिस्टर लॉर्ड कर्जन साहब, अब आपसे क्या छुपाना, बात यह कि मेरे बादल का पेच लड़ गया आपकी घोड़ी के साथ। जी दीवाना हो गया है, रिश्ते के लिए हजारों देसी घोड़ियां दिखाई से, लेकिन नहीं साहब इधर ही आकर रुकता है, कहता है शादी करूंगा तो इसके साथ वरना सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहूंगा। देखिए कर्जन साहब, आप शायद नहीं जानते लेकिन आपकी घोड़ी हो गई है जवान, इससे पहले कि इसके पांव डगमगा जाए आप इसके पैर पीले कर दीजिए। हाँ नहीं सुनिए, देखिए आपके दादा परदादा हमारे देश में घूमने आए, हमने कुछ कहा नहीं, घूमते घूमते उन्होंने सारे मुल्क पे कब्जा कर लिया, हमने कुछ कहा नहीं, आपके गुनाहों से तंग आकर लोगों ने आपको यहां बिठा लिया, हमने कुछ कहा नहीं। भाई हम तो सिर्फ आपकी ये घोड़ी, अरे आपकी ये घोड़ी मांगने आए, ये तो दे दो। अबे अबे देख नहीं रहा, लेन देन की बात चल रही है, बीच में बड़बड़ कर रहा है इडियट। हाँ देखो कर्जन, देखो बेचारा जवानी में बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद हो गए बेचारे के। अब भाई उसकी नहीं तो कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। नहीं समझे, ठहरो। देख भैया कर्जू, ये मेरा छोटा भाई है, मरने से पहले इसकी माँ को मैंने वादा दिया था कि पहले इसकी शादी करूंगा बाद में अपनी। अब तू क्या चाहता है कि सारी जिंदगी मैं भी कुंवारा बैठा रहा हूं तेरी तरह? हाँ एक बात जरा प्राइवेट में कहूं। अबे वो सुना, तुम लोग साले हिंदुस्तान छोड़कर अपने मुल्क जाने वाले हो? मैं तो कहता हूं जाने से पहले एक अच्छा काम तो करते जाओ, कन्यादान कर दो, वरना किसी दिन मेरा बादल तुम्हारी घोड़ी को लेकर भाग गया ना तो फिर लटकते रह जाओगे। फिर भाई हमसे कंप्लेंट मत करना, नाक कट जाएगी तुम्हारी, बिरादरी में अपनी शक्ल नहीं दिखा पाओगे, लोग थूकेंगे तुम पर। अरे रोक 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 पर रोक ऐसे। अरे ये तांगे वाले भाई साहब, क्या बे आपको मेयर हैरी ने बुलाया है? अबे देख नहीं रिया कर्जू को पटा रहे हो? बहुत अर्जेंट काम है इसलिए बुलाया है, आपको इनाम देना चाहते हैं। तो क्या ऐसा क्या? ए, तुम ठहरना, हम अभी आता है। देख भाई कर्जू, तुम हिलना नहीं, इधर हिलना नहीं, इधर ही ठहरना, हम अभी आता है। ए, 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 आता है, आता है। ओए, अबे अबे
अबे इस पे ध्यान रखना है। अबे मेरी बात सुन रही है कि नहीं? इसने अगर इधर कहीं छेड़छाड़ की तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। चल उस तरफ कहाँ जा रहे हैं हुजूर? चलना है क्या? कहाँ?